भारत विश्व में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम रखता है स्टार्टअप का। 650 से ज्यादा जिलों में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स, जिनकी टोटल वैल्यू 330 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में हिंदुस्तान का परचम कैसे लहरा रहा है। एक कुशल राष्ट्र की रचना के लिए, एक समृद्ध राष्ट्र की रचना के लिए युवा पीढ़ी के कौशल का विकास हो, यही नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्किल्ड कौशल युक्त युवा पीढ़ी, यही अमृत जनरेशन है जो हिंदुस्तान के 100 साल की आजादी के पूर्ण होने पर आगामी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ये भी कहना उचित है कि शिक्षा ही वो अस्त्र है जो एक निर्भीक हिंदुस्तानी को इतना सामर्थ्य देता है कि वो न सिर्फ अपने और अपनों का बल्कि समाज कल्याण में भी अपनी ओर से सहयोग दे सके, भविष्य को उज्जवल कर सके। आज उस युवा पीढ़ी के शैक्षिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विविध भारतीय भाषाओं में हमारे देश का गौरव हमारी नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो जेंडर इंक्लूजन फंड हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे 7 से ज्यादा IIT IIMs का स्थापना हो, अथवा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या का बढ़कर 22 हो जाना हो, ये इस बात का संकेत है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अमृत जेनरेशन की शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, वृद्धि के लिए किस तरह से समर्पित है। हाल ही में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला हॉकी टीम ने राष्ट्र का एक बार फिर गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर में 1,000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स के इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। Well, shifting our focus, but before that, Smriti Irani, of course, addressing the media over there, making some key points as well about entrepreneurship. She's also gone on to state that it shows how the young generation is keeping the foundation of entrepreneurship.